जैसे लक्ष्मी है वैसी गणेश है। बचपन में मुझे याद है कि मेरी माताजी कहती थी कि लक्ष्मी और गणेश को साथ में पूजना चाहिए। तो गणेश समझ लीजिए क्या है। गणेश एक डिस्ट्रॉयर है। जब आपके कोई काम बनने वाले होते हैं या कोई पैसा आपके पास आने वाला होता है, कोई खुशी आपके पास आने वाली होती है, तो उसके बीच में कुछ अड़ंगे लग जाते हैं, कुछ समस्याएं आ जाती है। वो समस्या कहां से जाती है? वो समस्या आपका ब्रेन क्रिएट करता है, आपका माइंड क्रिएट करता है। बिकॉज दिस होल रियलिटी, होल यूनिवर्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सब माया है, ये पूरा पूरा वर्ल्ड एक प्लास्टिक है। ये प्लास्टिसिटी कहां से ऑपरेट होती है, कहां से रेगुलेट होती है, कहां से मैनेज होती है, कहां से कंट्रोल होती है? यहां से कंट्रोल होती है। तो यहीं पर एक न्यूरल नेटवर्क है। जब आपके नेगेटिव नेगेटिव न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो कि असुर हैं, आपकी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आने के बीच में अड़ंगा लगाते हैं, तो ये गणेश नाम का न्यूरल नेटवर्क है, ये उन असुरों का खात्मा करता है। इसलिए गणेश की पूजा करनी पड़ती है। तो गणेश बोलता है कि आप मेरी पूजा करो, न्यूरल नेटवर्क बोलता है कि आप मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरा ध्यान करो, थिंक अबाउट मी, देन मी एज अ न्यूरल नेटवर्क विल फायर एंड आई विल डिस्ट्रॉय ऑल द ऑब्स्टेकल्स and I will bring forth what you want in your life.